Good morning to all, dear student. In this chapter, chapter number 13, the Mauryan Empire, we had already read about how Mauryan ruler ruled over India and they established their empire. The well-known Mauryan ruler was Chandragupta Maurya, then Bindusar, and later Ashoka. So here we read about features of Mauryan Empire. The next one is art and architecture. Art means kalakari and architecture means design. Next is the five types of architectural monuments were prevalent during that period. Prevalent means famous. During that period they were फाइव टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट्स इट मीन्स पांच तरह के आर्किटेक्चुरल मॉन्यूमेंट थे जो कि फेमस थे किस टाइम पे ड्यूरिंग दैट टाइम और दैट पीरियड मीन्स मौर्यन पीरियड दे वेयर पैलेसेस अस्तूपस केव्स पिलर्स रॉक एडिक्ट्स पैलेसेस महल अस्तूप गुंबद जैसा बना होता है केव्स गुफाएँ पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट रॉक एडिक्ट कहने का मतलब है जो चट्टान होता था उसको इंस्क्राइब करके या फिर इंग्रेव करके कुछ लिखा जाता था या उस पर डिज़ाइन किया जाता था डू यू नो अस्तूप इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल अस्तूप क्या होता है एक बुद्धिस्ट टेम्पल के जैसा होता है जैसे टेम्पल बना होता है तो उसके ऊपर वो गुंबद जैसा होता था पहले इट इज़ अ फेमस एज अ स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट इट हैज़ अ डोम और अ पैगोडा डोम मीन्स जो ऊपर गुंबद जैसा होता है वो और पैगोडा वेयर द सेक्रेट रिलाइज ऑफ एनलाइटेंड बींग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर केप्ट तो ये वो जगह होता था जहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट को रखा जाता था रिलीजियस टेक्स्ट कहने का मतलब है धार्मिक किताबें या धार्मिक ग्रंथ या धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ नेक्स्ट इज केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहार केव टेम्पल जो होता था वो विहार कहलाता था एंड प्रेयर हॉल्स आर कॉल्ड चैत्य और जहाँ लोग प्रेयर किया करते थे उस हॉल को चैत्य कहते थे नेक्स्ट वन इज नंबर वन पैलेसेस अब हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस वन देखेंगे नंबर वन द पैलेसेस ऑफ अशोका वॉज एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल फाहियान ही वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू सी इट एंड रिमार्क दैट द प्लेस मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाई गॉड्स नॉट बाई मैन कहने का मतलब है कि एक फाहियान जो चाइनीज ट्रेवलर था जिसने एस्टोनिश किया था एक ब्यौरा दिया था चंद अशोका के बारे में अशोका के महल के बारे में पैलेस के बारे में क्या दैट कि उसका पैलेस जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था गॉड्स के द्वारा न कि मैन के द्वारा नंबर टू द स्तूप ऑफ सांची सांची का स्तूप जो था वो फेमस था एंड इट्स गेटवे इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्किटेक्चरल ऑफ दैट पीरियड और जो उसका गेटवे बना था जहाँ से लोग इंटर करते थे इट मींस कह सकते हैं एंट्रेंस या एंट्री गेट इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द आर्किटेक्चरल ऑफ द मौर्यन पीरियड ऑफ दैट पीरियड द मौर्यन रूलर्स डग मेनी केव्स फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन मौर्यन रूलर्स के द्वारा बहुत सारा केव्स बनाया गया था किनके लिए तो मॉन्क्स के लिए मॉन्क्स कौन बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो होते थे उनको मॉन्क्स कहते थे सच केव्स हैव बीन फाउंड इन बारबार एंड नागार्जुना हिल्स एंड याक्षी एट दैदरगंज नियर पटना ये सारा एग्जांपल है किस चीज़ का बारबार नागार्जुना हिल्स एंड याक्षी एट दैदरगंज नियर पटना केव्स का एग्जांपल है ये नेक्स्ट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पिलर्स विद शाइनिंग सर्फेसेस द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चुरल कैन बी सीन आर्किटेक्चुरल का अगर फाइनेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो कहाँ देख सकते हैं दैट विल बी सीन दैट वॉज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पीलर्स विथ शाइनिंग सर्फेस दीज पीलर्स वेयर क्राउंड विथ एनिमल्स फिगर दीज पीलर्स वेयर क्राउंड क्राउंड मीन्स जो जैसे मुकुट होता है तो उसके ऊपर जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग एक एनिमल्स का फिगर ऊपर बना हुआ है एंड धर्मचक्र द टॉप और द कैपिटल पार्ट
of a stone pillar with four lions and a dharm chakra has been adopted as our national emblem. जो हमारा नेशनल एम्बलम है फोर लायन, ये फोर लायन उस समय अशोका का जो स्टोन पिलर था उसके ऊपर ये लगा हुआ था. नेक्स्ट इज फोर लाइन कैसे, तो फोर वन टू थ्री एंड फोर जो होता है वो इसके ठीक बैक में होता है. जब हम सामने से देखेंगे तो ये तीन दिखेगा, इस साइड से अगर सामने से देखेंगे तो तीन दिखेगा, इधर से देखते हैं तो तीन, और फिर बैक साइड से अगर जाकर देखेंगे तो भी तीन. क्यों? क्योंकि उस वक्त ये नहीं दिखेगा, इधर से देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा, इस साइड से देखेंगे तो ये वाला लाइन दिखाई नहीं देता है. नेक्स्ट इज अशोका पिलर कैन ऑल्सो बी सीन इन फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, तोपरा, अम्बाला, कौसाम्बी, अलाहाबाद, लोरिया, नंदगढ़, सारनाथ, यूपी एंड सांची एमपी ऑल्सो हैव सच पिलर्स. ये सारे जगह पे भी पिलर्स बनवाए गए थे अशोका के द्वारा. नेक्स्ट इज डू यू नो द सील ऑफ द फोर लाइन, सील मीन्स मोहर, मोहर कहने का मतलब ये जो लोगो बना हुआ है इसको सील कहा गया है. द सील ऑफ द फोर लाइन्स नेशनल एम्बलम कैन बी सीन ऑन ऑल ऑफिशियल पेपर्स नोट्स एंड कॉइन ऑफ इंडिया. इंडिया के जितने भी कॉइन हैं उनके उनके ऊपर आपको ये दिखेंगे, या फिर जो भी ऑफिशियल पेपर है वो, या फिर जो नोट्स है वो. नेक्स्ट इज रॉक एडिक्ट वेयर फाउंड इन रूपानाथ सेंट्रल प्रोविंस सासाराम बिहार एंड बैरन राजस्थान. लेटर ऑन मोनेस्ट्रीज वेयर मेड फॉर दी मॉन्क टू लिव इन. मॉन्क लोगों के लिए, बुद्ध प्रिस्ट के लिए मॉनेस्ट्री बनाया जाता था जहाँ पे वो लोग रहते थे. वाइल अशोका वॉज मेकिंग एवरी एफर्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस टू द नेबरिंग कंट्रीज, अशोका ने हर वो प्रयास किए जिससे वो नेबरिंग कंट्रीज तक पीस का मैसेज पहुँचा सके. द चाइनीज एम्पायर वेयर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज बाई फोर्सिंग थाउजेंड ऑफ पीपल टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन इन एक्सट्रीमली वेदर कंडीशन. कहता है चाइना के द्वारा द ग्रेट वॉल बनाया गया था, पढ़े होंगे आप लोग, सुने भी होंगे. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अभी तक का सबसे लंबा दीवार जो है वो चाइना का है. वो दीवार क्यों बनाया गया था, वो दीवार क्यों खड़ा किया गया था, बिकॉज टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज बाई फोर्सिंग थाउजेंड ऑफ पीपल टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क में लगे हुए थे उस वॉल को तैयार करने के लिए, ताकि वो फॉरेन अटैक या फिर फॉरेन इन्वेजन को या फिर इन्वेड को रोका जा सके. तो चाइना अपने कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए ग्रेट वॉल तैयार करवाया था. एंड नेक्स्ट इज कम ऑन टू द पेज नंबर 114, डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ऑब्वियस है जितने भी एम्पायर अभी तक आए, हर एम्पायर के बाद दूसरा कोई एम्पायर उसको सक्सीड किया, या फिर वो एम्पायर किसी तरह से ख़त्म हो गया और उसके बाद नए एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है. यहाँ पे भी मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे. द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BCE. इट मीन्स अशोका वॉज डाइड इन 232 BCE. इट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइनिंग. It is said that Ashoka's military policy of not waging any war was perhaps the main reason for the decline of his empire. कहता है कि अशोका का जो military policy था वो काफ़ी strong था, and is not waging any war was perhaps the main reason for the declining of his empire. उसके empire का decline होने का एक कारण क्या था, तो foreign या फिर बाहरी अटैक. नेक्स्ट इज बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, बृहद्रथ. याद रखेंगे यही सब क्वेश्चन जो होता है वो टिक द करेक्ट ऑप्शन मैच द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़. ही वॉज किल्ड बाई हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग इन 185 टू 73 BCE हु कैप्चर द थ्रोन. थ्रोन कैप्चर करने के लिए, राजगद्दी पाने के लिए, मुकुट हासिल करने के लिए पुष्यमित्र सुंग जो कमांडर इन चीफ था किसका, बृहद्रथ का, उसको मरवा दिया एंड 185 से लेकर 73 BCE तक शासन किया. ही फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड सुंग डायनेस्टी एंड वॉज सक्सीडेड बाई अग्निमित्र 147 टू 139 BCE. द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी देवभूति वॉज किल्ड बाई वासुदेव हु एस्टेब्लिश्ड
कानवा डायनेस्टी इन 72 बीसी ई, इट मींस सुंग डायनेस्टी से शुरू हुआ और ये चला कानवा डायनेस्टी तक। सुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? कुशमित्र सुंग, जो कि बृहद्रथ को मारकर, जो कि बृहद्रथ लास्ट मौर्यन अम्पायर था, इसको मारने के बाद सुंग डायनेस्टी का स्थापना पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया गया एंड ही फाउंडेड द न्यू डायनेस्टी कॉल्ड सुंग डायनेस्टी। एंड सुंग डायनेस्टी के बाद अग्निमित्र उसको सक्सीड किया एंड द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी देवभूति, और सुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर देवभूति था, हु वॉज किल्ड बाई वासुदेव, जो कि वासुदेव के द्वारा मारा गया था। हु वॉज इस्टेब्लिश्ड कानवा डायनेस्टी इन 72, इट मीन्स वासुदेव इस्टेब्लिश्ड द कानवा डायनेस्टी इन 72 BC. Do you know a dynasty rule means that the members of the same family become ruler. Dynasty means एक ही family का one after one become जो ruler बनते चले जाते हैं, और that is called dynasty. Usually the son come to the throne after the death of his father. It means father के death के बाद उसका बेटा जब राजा बनता है, then such types of rule is known as dynasty rule. The Mauryan dynasty had three important rulers, that is Chandragupta Maurya, Bindusar and Ashoka, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। After this chapter complete हो चुका है और इसके बाद हम लोग keyword जो कि chapter के अंदर देख चुके हैं, architecture है, धर्म जो कि धर्म कहलाता था in a Sanskrit textual, dynasty, dynasty rule, edict, it means some inscriptions, espionage system, space and welfare state, it means a developed state, and architecture, it means art or design. Next is आप लोगों के लिए home assignment होगा, आप लोग खुद से tick the correct option, fill in the blanks and match the following करोगे, and next class में हम लोग question answer deal करेंगे। तो आज के class में बस इतना ही, thanks to all.